हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो है मेरा एक रिव्यू वीडियो। इसमें मैंने आंवला रीठा और शिकाकाई जो है ऐसा रॉ फॉर्म में मंगाया था मीशो से, क्योंकि हम बहुत पहले टाइम से सुनते आते हैं ना कि बालों पे हमें कलर नहीं करना चाहिए, आंवला रीठा शिकाकाई लगाना चाहिए, इससे बाल अच्छे होते हैं, मतलब ग्रोथ अच्छी होती है। ये बालों के लिए ये तीनों चीज़ें मतलब हर फॉर्म में अच्छी है, मतलब हर तरीके से अच्छी है। और बाकी डिपेंड करता है कि भाई आपके बाल जेनेटिक कैसे हैं वो भी। तो ये है देखो, जो आगे रखा हुआ वो रीठा है और ये शिकाकाई है, और ये पीछे जो आंवला है ये मतलब कैसे टुकड़े टुकड़े फॉर्म में आया था। तो आप ये देख सकते हो कि कैसे ये है। तो मतलब अच्छी थी, क्वांटिटी भी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी और सही था। और ये तो मैंने दिखाया आपको ऐसा। उसके बाद ना, ये वीडियो मेरा पहले का वीडियो है, तो हमने जो है गन्ने लिए थे, क्योंकि बहुत टाइम से हम मन था ऐसे कि गन्ने ले लेते हैं। नॉर्मली बैंगलोर में आपको गन्ने ऐसे मिलते नहीं है कि हमेशा गन्ने मिल रहे हैं, तो जब यहाँ कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो उस टाइम पे मिलते हैं, तो तब हमने लिए थे। और ले तो लिए, लेकिन फिर खाने का सोचा था कि कहाँ पे खाएं, चलो बाहर चलते हैं, जो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे एरिया है प्ले एरिया, तो हम उधर गए। धूप भी उस टाइम सेक सकते थे, तो ये उस टाइम का वीडियो है। तो हम उधर लेके गन्ने लेके गए, बच्चे खेल रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो इन्हें यहाँ पे ख़त्म किया जाए। बाजार से चीज़ लेके आ जाते हैं कि ठीक है ये चीज़ भी ले लो, वो चीज़ भी ले लो, लेकिन घर में आके चीज़ रखी रखी रह जाती है, सोचते तब खाएंगे वो खाएंगे, वो ख़राब भी हो जाती है। तो उस दिन हमने सोचा कि ठीक है इन्हें आज ख़त्म किया जाए, सारे गन्ने आज ख़त्म करके घर आने। तो ये हम दोनों बैठे हुए थे धूप में और गपशप मार रहे थे, और साथ साथ हमने गन्ने जो है खाए। और इस पंखु तो अपना खेल चल रहा था इन दोनों का, ये दोनों खेल रहे थे। बीच बीच में हमने इनको काट काट के जो होता है ना बाहर का जो कवर निकाल के सॉफ्ट वाला एरिया था वो दिया कि लो तुम भी खाओ इसे, क्योंकि हमें क्या ख़त्म करने थे। फिर ये सब कुछ करते करते फिर इशू पंखू जो है इनका अपना खेल चल रहा था, और ये पंखू है ये कुछ नए नए कर्तव्य दिखा रहा था वहाँ पे। तो और फिर उसको देख के इशू को भी बड़ा मन हुआ कि चलो मैं भी कर्तव्य दिखाऊँ, मैं क्यों पीछे रहूँ। तो वो भी शुरू हो गया अपने कर्तव्य दिखाने के लिए। गन्ना ख़त्म करने के बाद फिर इन्होंने भी खेला बच्चों के साथ, क्योंकि इशू पंखू काफ़ी देर से लगे थे कि चलो पापा हमारे साथ खेलो, बॉल खेलो, कभी ये खेलो वो खेलो। तो फिर इन तीनों ने फिर एक साथ खेला और फिर डाइजेस्ट किया जो गन्ना जिसने जितना खा रखा था, क्योंकि वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता, बच्चे अपने आप ही खेलते हैं बाहर जाके, तो हमें तो कम टाइम मिलता है बच्चों के साथ खेलने का। तो सोचा इसी बहाने खेल लिया जाए। और वैसे ही बैंगलोर में सर्दियाँ हो या कुछ हो, धूप इतनी तेज़ होती है कि आप बहुत देर तक धूप में बैठ नहीं सकते हो। तो ये तो बस बिल्कुल जाती जाती सर्दियाँ थी उस वक्त की वीडियो है। तो ये मैंने जो मेरा फ़ोन है नया, तो थोड़ा मैंने सोचा कि इसकी टेस्टिंग की जाए कि भाई फ़ोन कैसा है, फ़ोन का कैमरा कैसा है, कैसा क्वालिटी आ रहा है इसमें। तो बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही थी, एकदम रियल कलर आ रहे थे, और जो फूल हैं इतने सुंदर लग रहे थे, एक्चुअल में भी मतलब ऐसे ही दिख रहे थे। और अच्छा लगा मुझे फ़ोन अपना, बहुत सही फ़ोन है। और ये थोड़े से हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर जो प्लांट सब लगे हुए हैं, तो ये उन सब का एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप सब लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मेरी कोशिश ही अपनी जो मेमोरीज़ है उनको रिकॉर्ड करके सेव करने की, कि हाँ इन्हें हम रिकॉर्ड कर लें, सेव करें, कोई देखे या ना देखे, कम से कम हम तो देखेंगे इन्हें आगे। उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो ये है आंवला रीठा शिकाकाई, जो कि मैंने मतलब पानी रख लिया था उबालने के लिए पहले, फिर उसको मैंने ना इसमें डाल दिया। और डालने के बाद जब ये अच्छी तरह, देखो मैं कितना पानी रखा था मैंने, अभी पानी कितना कम हो गया, तो ये अच्छी तरह से मतलब गल गया है। इसमें से हम सिर्फ रीठा में से जो है गुठलियाँ हैं वो निकाल देंगे, बाकी कुछ नहीं करना, रीठा में से निकाल देंगे, क्योंकि फिर मिक्सी टूटने का डर रहेगा। तो फिर हमने गुठलियाँ निकाल ली थी, और बाकी मैंने इन तीनों को मिक्सी में पीस लिया था एकदम, मतलब बहुत सॉफ्ट सा पेस्ट बना लिया था। और जब वो पेस्ट बनने के बाद मैंने अपने इसको सर पे लगाया, 2-3 घंटे इसको रखा जैसे मेहंदी को रखते हैं ऐसे रखा। फिर बाद में बाल धो लिए, अच्छे थे, 1-2 बार मैंने ट्राई किया। अभी मैंने सोचा कि इसको पहले मैं ड्राई पीस लूँगी फिर मिक्स करूँगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।